नमस्कार, दिल्ली डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश करते हुए राज्य में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। राज्य सरकार की तरफ से राज्य में पेट्रोल के दामों में 1.14 रुपये प्रति लीटर तो डीजल पर 1.12 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया। इस तरह से अब कर्नाटक में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बजट भाषण में कहा कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेट्रोल पर मौजूदा टैक्स 30% से बढ़ाकर 32% किया जाए, जबकि डीजल पर भी कर 19% से बढ़ाकर 21% किया जाए। इससे राज्य में पेट्रोल के दामों में 1.14 रुपये तथा डीजल पर 1.12 रुपये प्रति लीटर बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि एचडी कुमारस्वामी ने अपना पहला बजट पेश करते हुए राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ कर दिया। कुमारस्वामी सरकार ने अपने पहले बजट में चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश करते हुए यह ऐलान किया। दरअसल कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस और JDS दोनों ही दलों ने सरकार में आने पर किसानों से कृषि लोन माफ़ किए जाने का वादा किया था।